आप जो है इनके पड़ोस में रहते हैं? जी, पड़ोस में रहते हैं, सब गली के, सब गली के हैं, यही गली के आसपास के, हम खुद आए अपनी मर्जी से। ये तो इतने सीधे हैं, इन्होंने अब भी नहीं बताया कि इनके घर में क्या हो रहा, लेकिन हमसे नहीं देखा गया, हम खुद अपनी मर्जी से आए, सब गली वाले देख के बच्ची के साथ ना इंसाफी हो रही और ये होना नहीं चाहिए। नमस्कार, स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद, पुराना मुस्तफाबाद की गली नंबर 9 में मौजूद हैं। यहाँ पे एक पीड़िता के पिता हैं, जो यहाँ पे एक घटना घटित हुई थी कल 26 फरवरी लगभग दिन में 10-11 बजे के आसपास की घटना है। मेरी घटना यह है कि उसके साथ मारपीट की गई, लड़की के साथ में जान से मारने की कोशिश भी की गई है। इस संबंध में पूछे गए इनसे, ये पीड़ित पिता है। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मकसूद अली है। क्या घटना घटित हुई है कल? पता चला है कि कल 100 नंबर पे कॉल भी की थी, पुलिस भी आई थी यहाँ और आप एक लड़की को अस्पताल भी लेके गए। घटना क्या थी? घटना ये थी, ये मेरे किराएदार हैं और रिश्तेदार हैं, मेरी बीवी के भाई के भी दामाद हैं, इन्हें ये मुसीबत में थे। ये मेरी बीवी के पास आए, कहने लगे कि हम बहुत मुसीबत के अंदर हैं और आप जो है हमें किराए पर दे दो, और मेरी बीवी ने इन पर तरस खाकर इन्हें किराए पर दे दिया। उसके बाद में जो है चलता रहा मामला, मेरी बीवी को कैंसर हो गया, 21 जुलाई को मेरी बीवी का एक्सपायर हो गया। उसके बाद मुझे अपने बच्चों की भी शादी करनी थी और मकान भी बनवाना था। मैंने इनसे कहा 20 में कि जी आप खाली कर दो, इन्होंने खाली नहीं करा। खाली करने के बाद में काम चलता रहा, फिर मन का भी मुझे किराया चाहिए अब, ठीक है, किराया इन्होंने दिया नहीं, मैंने किराया मांगा, इन्होंने किराया नहीं दिया। ये सेकेंड फ्लोर पर जाकर रहने लगे, ग्राउंड फ्लोर से बनने, मकान बनने के बाद में जब किराया नहीं दिया तो मैंने इनसे कहा खाली कर दो, तो इन्होंने मेरे बड़े बेटे पे एलिगेशन लगा दिया। किस तरह का एलिगेशन? छेड़छाड़ का, रेप का कंप्लेंट कर दी इन्होंने। उसके बाद में वो रफा दफा होगी कहानी, कुछ नहीं मामला। फिर इन्होंने एक दिन मुझ पर हमला भी करा, हमले का ये रहा, रात को हमला करा था। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, मन का समझ आ जाएगी इनसे, मैंने बात करी, मन का भी ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, तो ये बोले कुछ नहीं। ये डिमांड करने लगे 7,65,000 की, पहले उससे पहले डिमांड कर रहे थे 10 लाख चाहिए हमें। इस चीज की चाहिए 10 लाख, मकान खाली करने के लिए। उसके बाद 7,65 पे आ गए। उसके बाद 2-3-4-5 हमारी मीटिंगें भी हुई, मीटिंगों में कोई मसला हल नहीं हुआ, ये झूठा साबित हुआ मीटिंग के अंदर। एक दिन फिर एक मीटिंग हुई, मीटिंग होने पे इनके एक 60 मुझ पर आए हुए थे, लेकिन मैंने इन्हें 2.5 लाख रुपए दे दिया, पंचायत वालों ने इन्हें 2.5 लाख रुपए दे दिया। इसने नवंबर में दिया था, दिसंबर में मकान खाली नहीं करा और डिमांड करने लगे। उसके बावजूद मेरे बच्चे 4-5 महीने से यहाँ नहीं थे, दादी के यहाँ छादरे में रह रहे थे। क्यों क्यों रह रहे थे? इसी वजह से, मन का लड़ाई झगड़ा ना हो, गंद खाना ना मचे, गाली गुफ्तार ना हो, इस वजह से मैंने अपने बच्चों को वहीं रख रखा था। डर की वजह से, दहशत में हम लोग थे, इन लोगों ने हमको प्रेशर इतना बना लिया कि अनलिमिट के प्रेशर में आ गए, हम इनकी डिमांड पूरी कर दें। उसके बाद में मोहल्ले में शादी थी, मोहल्ले वाले बोले बच्चों को बुला लो, मैंने अपनी लड़कियों को बुला लिया। कल इन लोगों ने उस पर सोच समझ कर मेरी बेटी पर हमला कर दिया और उसका गला दबाया, गले में निशान है, जिसकी MLC भी ये रही, मार लगाई रहा था। मेरी बेटी को जान से मार दिया था, मरी गई थी, बेहोश हुई पड़ी थी। जब मेरे पास कॉल गई, मैं त्रिपाल फैक्ट्री पर था, मैं त्रिपाल फैक्ट्री के पास था, मेरे पास कॉल गई, 100 नंबर कॉल करवाई मैंने, वहीं से कह दिया फोन पर कि भाई 100 नंबर कॉल करो। पुलिस आई, फिर MLC के लिए लेकर गई। पहले जग प्रवेश गए थे हम, जग प्रवेश वालों ने रेफर कर दिया GTV के लिए। GTV में रात के 2 बजे हम आए, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस वाले फोन करे जा रहे हैं कि भी आप थाने आ जाओ, थाने आ जाओ, लेकिन पुलिस वाले हॉस्पिटल में नहीं आए मेरी बेटी का बयान लेने के लिए। आज सुबह जब रात को 2 बजे जब हम हॉस्पिटल से आए MLC लेकर ये, तो सुबह मैंने कॉल करी पुलिस को, कौन है आईओ, इसका आईओ कौन है? आईओ का नाम है अरविंद गौतम। क्या बोलते हो? अब उस सुबह जब मैंने कॉल करी तो अरविंद गौतम ने कहा कि भी मैं अभी कोर्ट में हूं, जब मैं आ जाऊंगा तभी,
जब मैं आ जाऊंगा कोर्ट से मैं आपको कॉल कर दूंगा। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नुकसान भी हुआ? लड़की बोली है कि नुकसान भी हुआ कि गले में चैन वगैरह फंसे। लड़की को सांस लेने में परेशानी चल रही है, लड़की के गले में चैन थी, वो बुलाकर ले गए, 30,000 रुपए रखे थे, वो ले गए। कौन कौन लोग शामिल है इसमें? इसके अंदर शाल वाली घटना में जो कल घटना हुई, कल वाली घटना के अंदर शामिल है एक बड़ी बहन सुहाना, एक छोटी बहन सना, दो बेटियां इसकी, एक अक्षा, एक सानिया और एक बेटा जिसका नाम है जैद। हाँ जी, तो मोहल्ले वाले भी मौजूद है यहाँ पे, आजम मौजूद है उसमें, आप ही मोहल्ले वाले दिख रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे कि पीड़ित आदमी है इसके लिए क्या होना चाहिए? बस यही मिले से ना मिले? नहीं ना मिले इसको, मतलब ये सोच समझ के गवर्नमेंट फैसला करे, जो भी मामला है ये बहुत बहुत काफी टाइम से इनका झगड़ा चल रहा है पड़ोसी उनका। तो ये दिखते हैं किस तरह से कुछ साथी हैं या इस तरह की घटना यहाँ करते हैं? नहीं ये बहुत साधारण आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। मतलब हम भी बात कम से कम 25 साल से बरत रहे हैं इस गली के अंदर, किसी से लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, बिल्कुल सही तरीके से रहते हैं। इनकी फैमिली बहुत अच्छा, इनकी वाइफ का इंतकाल हो गया था, ये बेचारे परेशान है बल्कि। आपका नाम क्या है? व्याजुद्दीन गादे जी। और भी मोहल्ले वाले मौजूद है, कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी बोलो, आप बोलो। सर ये तो बहुत बढ़िया आदमी बेचारे, लेकिन इनको जो है बस परेशानी यही है कि वही वो जो किरायेदार है वो परेशान कर रहा है वो। तो आप मोहल्ले वाले बात करते हैं उसे? हाँ, क्या बोलती है जो घटना घटित कारित कर रही है मोहल्ले वाले? अगर अभी तो उनसे उनसे बात हुई नहीं हमारी, लेकिन ये है कि फिर भी मोहल्ले वाले हो गया सबको सुनता ही ऐसे कह रही है वो, गाली गलौज करती है सबके साथ। क्या ऐसे व्यक्ति का रहना जरूरी है यहाँ मोहल्ले? है जी नहीं, ऐसा तो ऐसा होना नहीं चाहिए, यहाँ से जानी चाहिए, यहाँ से जानी मोहल्ले जाना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? और भी खड़े हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे कि कल घटना घटित हुई है तो उसमें क्या न्याय मिलना चाहिए बच्चों को या नहीं मिलना चाहिए? हाँ ऐसा है, बिरादरी का सदर हूँ और हमारे यहाँ बैठ कर पंचायत हुई थी और इन लोगों को 2,50,000 रुपया दिलाया गया और ये कहा गया कि भाई दिसंबर में मैं मकान खाली कर दूंगा। इन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी। मकसूद आदमी बढ़िया है, इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, लोग बहुत बुरा सलूक कर रहा है, इंसाफ मिलना चाहिए इन लोगों को, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। हाँ इनको वो होनी चाहिए। और भी कोई बोलना चाह रहा है? ये मकसूद है, इनके साथ कोई घटना घटित हुई है कल, पुलिस भी आई थी, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो किराएदार इस तरह की हरकतें करता है वो ठीक है? मेरा नाम मसूद अहमद है, मैं पुलिस से यही अनुरोध करता हूँ कि इस घटना को जल्दी से जल्दी रफे दफे कराया जाए। जो मकसूद भाई हमारे हैं परेशान हैं, इनको न्याय दिया जाए और इन लोगों को बाहर किया जाए। पुलिस से मेरा यही निवेदन करूंगा कि पुलिस आकर के इनका निर्णय कराए, ज्यादा लंबी बात ना बढ़े और ये इनकी परेशानी को दूर करा जाए। हम लोग यही चाहते हैं और यही हम चाहेंगे। वो तो फर्जी केस लगाते रहती है, कंप्लेन डालती रहती है, उसमें क्या कहना चाहिए? ऐसा है, मोहल्ले वालों को भी गाली देती है, वो तो है, मतलब जो इस तरीके से है वो तो सबको ही पता है। अब ये पुलिस जो करेगी वो सही करेगी और सही निर्णय ले ताकि ये इन लोगों को आराम मिले और इन्हें परेशानी दूर हो मोहल्ले को। और भी क्या करना चाहते हैं? क्या न्याय मिलना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और मुझे न्याय प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मेरा मकान खाली होना चाहिए। ये आए दिन एलिगेशन लगाते रहते हैं, पूरा मोहल्ला परेशान है, रातों को फैक्ट्री चला रहे हैं या मशीनें चला रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे मोहल्ले वालों ने मेरे खिलाफ थाने के अंदर कंप्लेंट भी दर्ज कर दी कि भी आपका किराएदार है, आपने ऐसा करवा रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि भी मेरी इन परेशानियों का कानून हल करें। आज हम पहुंचे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में, दयालपुर थाने के अंतर्गत मामला है। एक यहाँ पे वारदात हुई है, एक लड़की के साथ मारपीट की गई है और जान से मारने की भी कोशिश की गई है। आज हम पहुंचे हैं उसी के घर पे और जानते हैं उनसे कि कैसे कैसे क्या वारदात हुई है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरीन है। फरीन है, तो आपका नाम फरीन है तो घटना आप ही के साथ हुई है? हाँ। तो पता चला था हमें कि आपने जो है 100 नंबर पे कॉल किया था 26 फरवरी में। जी। और तो घटना क्या थी, पूरी डिटेल बताओ आप। घटना ये थी कि हमारी किराएदारनी पायका, वो नीचे आ रही थी जीने बहुत तेज तेज ठप 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 करके। मैंने कहा बहन हल्के चल ले, तो गाली बक के गई ऊपर, रुक तुझे अभी बताती हूँ मैं।
तो अपने बहन भाइयों को और अपनी खाला को बुला के ले आई। तो वो नीचे आए, यही घर में यही घुसते, पहले तो मुझे मारा, फिर चाटे वाटे मारे, फिर दो जनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दो जनों ने मेरा गला घोट दिया इस पीछे को बहुत तेज। और फिर जब मैं गिर गई और मुझसे ये बोल रही थी कि मतलब तुम यहाँ आई क्यों, अब ये घर तो हमारा है, तुम आई क्यों अब। ये किराएदार है, कौन है? ये हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, किराएदार भी है। अच्छा। ये हमारी अम्मी के पास आए थे, मतलब सुप्पी की हमें रख लो, मतलब कोई मतलब बहुत ज्यादा। हाँ, मेरी अम्मी ने और बहटना। फिर मैं इससे बोली कि तू कैसे हमें ऐसे निकाल देगी है, तो एक जने ने मेरे बाल पकड़ लिया और अच्छा उसने बाल पकड़ लिया, फिर मुझे एकदम से गिरा दिया और फिर लात वाते बजाई मेरे और फिर ये गिर गई। मेरे मुंह पे चुन्नी आ गई थी, रुपट्टा आ गया था और फिर मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और फिर दो जनों ने पैर पकड़े, फिर हाथ पकड़े मेरे, फिर किसी ने मेरे पैर पे, किसी ने अपना पैर रख दिया मेरे गले पे पैर रख दिया आपने? हाँ जी। अच्छा, तो आपको फिर दिक्कत आ रही है गले में? गले में कभी कभी मेरी सांस रुक रही है। सांस रुक रही है? डॉक्टर गए थे आप? हाँ, डॉक्टर के। कौन लेके गया था डॉक्टर के? डॉक्टर के मेरे पापा लेके गए थे और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, तो क्या दिखा दिया आप एक बार निशान है कहीं आपके? चोट कहाँ कहाँ लगी? चोट तो मेरे हाथ पे भी लगी है, मेरे गले पे पैर रख दिया आपने? हाँ जी। अच्छा, तो आपको फिर दिक्कत आ रही है गले में? गले में कभी कभी मेरी सांस रुक रही है। सांस रुक रही है? डॉक्टर गए थे आप? हाँ, डॉक्टर के। कौन लेके गया था डॉक्टर के? डॉक्टर के मेरे पापा लेके गए थे और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, तो क्या दिखा दिया आप एक बार निशान है कहीं आपके? चोट कहाँ कहाँ लगी? चोट तो मेरे हाथ पे भी लगी है, मेरी पसलियों में भी दर्द हो रहा है, पसलियों पे भी मारा है उन्होंने, हाथ भी नहीं उठ रहा, मेरे गले पे भी मारा है। गले पे दिखाओगे आप? गले पे दिखाना, गले पे यहाँ चोट लगी आपके। अरे, निशान तो है आपके, चोट तो लगी है, तो आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, जिन्होंने मेरे साथ ये कराया ना, उनको सब जेल जाने चाहिए। हाँ, अम्मा जी आप कहाँ थे जब ये वारदात हो रही थी? हाँ, उनके साथ में? नीचे थे। नीचे थी? छोटी पोती को ले गई है। अच्छा अच्छा। मन की चल रही थी, हम सफाई करिया में नीचे थे। हम नीचे तक गए तो भाई हमने झाड़ू की सफाई भी न हुई तो हमें सिर को काट के आवाज आने लगी। अच्छा। हम बोले तुम्हें पता चलते मन की ये करना था हाथ ऊपर से हम आए तो देखा तो ये सब चिट्ठी पड़ी। किस पे? लड़की पे जी। अच्छा। वोट भी नहीं था। अच्छा। पानी वानी डाला। तो कुछ नुकसान हुआ आपका? कुछ क्या हुआ? और उन्होंने मेरे गले में से सोने की चेन खींच ली और सुबह पापा ने 30,000 रुपए दिए थे कि मेरे बेटे ये रख दे किसी काम के लिए। हाँ, और वो भी ले गए। कौन ले गया? शाहना आई थी। शाहना? कौन कौन लोग आए थे? जेद था, सानिया थी, अक्षा थी, सना थी और शाहना थी। अभी हम मौजूद थे मुस्तवाद, पुराना मुस्तवाद गली नंबर 9 में। आगे भी आप कुछ तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।